मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, मैं सनमुखा एग्रीटेक लिमिटेड लखनऊ की तरफ से आज यहाँ ग्राम पंचायत कुकरी जो भरावन और जिला हरदोई में पड़ता है यहाँ पे हमारे किसान सर्वेन सिंह जो कि शिमला के बहुत बड़े फार्मर हैं, शिमला के प्रोड्यूसर जो है यहाँ पे कई जिलों में उनका नाम फेमस है, तो उन्हीं के आज लड़के हैं। वो तो भैया तो आज सर्वेन जी नहीं हैं लेकिन उनके भैया अतुल सिंह जी जो है आज यहाँ प्लाट पे हैं। ये सारा जो है उनका शिमला लगा हुआ है, लगभग 20-22 एकड़ जो है शिमला की खेती करते हैं और शिमला से काफ़ी अच्छा मुनाफा, मतलब इस एरिया में शिमला के जो है जन्मदाता भैया ही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दो तीन एक दो जिले में जो है भैया का नाम सबसे पहले बताएंगे। अगर शिमला की जहाँ पे जिक्र होता है वहाँ पे भैया का नाम सबसे आगे आता है। तो इन्होंने हमारी कंपनी के कुछ उत्पाद जो है अपनी फसल में शिमला में यूज किए हैं, उसी के जो है फीडबैक के बारे में आज भैया से जानेंगे। नमस्कार भैया, पहले से थोड़ा आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अतुल सिंह है, मेरे पिता का नाम मिस्टर सरवेन सिंह है, मैं उनका लड़का हूँ और उस समय पापा जी है नहीं तो हम ही देखते हैं ये सब। गांव कौन सा पड़ता है सर? कुकरी पड़ता है, मेरा गांव का नाम है विलेज कुकरी, पोस्ट बनी, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। फोन नंबर क्या है सर? 8756803032। अच्छा, इस समय सर शिमला कितना है आपके पास? इस समय लगभग 20-22 के आसपास है। 20-22 एकड़ है, एकड़ के आसपास 20-22 एकड़ है जी। तो उसमें जो है सर आपने जो हमारी कंपनी का जो सनमुखा एग्रीटेक का है कौन कौन से प्रोडक्ट आपने यूज किया? हमने एक तेजा लाया था अभी एक महीने पहले, हमने यूज किया था उसको, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा था जी जी जी। और उसके बाद अभी ये आया है आपका स्वाधीन जी जी, विश्वजीत सॉरी स्वाधीन बता रहे, एक स्वाधीन भी आया था, स्वाधीन दूसरी कंपनी का था, विश्वजीत आया, इसका भी मैंने इस्तेमाल किया। ये प्लाट जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे हमने करवा दिया इस पे, और जो मेरा दूसरा प्लाट है वहाँ पे स्प्रे चल रहा है। अच्छा अच्छा, विश्वजीत का स्प्रे चल रहा है। एक बार में लगभग कितना सर विश्वजीत आप का स्प्रे हो जाता होगा? एक बार में लगभग हम 12 से 13 किलो के आसपास, 13 किलो आप एक बार में स्प्रे करते हैं, लेके आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो तो आप तेजल डाले, तेजल का रिजल्ट आपको अच्छा मिला जी जी। उसके बाद फिर जो हमारा नया प्रोडक्ट विश्वजीत आया, विश्वजीत को यूज किए, तो जो मेन सर आपको फायदा मिला, जो दूसरे आप इसके पहले जो दूसरे प्रोडक्ट डालते थे अच्छी कंपनियों का, बायर का बताए थे भैया, बायर का डालते हैं, तो उसके बाद जो विश्वजीत आप जो हमारा यूज किए तो उसमें आपको कुछ नया और क्या मतलब फायदा जो मेन मिला? हमें ये फायदा मिला, जैसे बहुत सारे पतंगे होते हैं खेत में, और ये जो ऊपर की पत्तियां हैं सिकुड़ी होती हैं, एकदम वो कर्लिंग हो जाती है, अट जाती है, अट जाते हैं, ठीक है। तो उसको डालने के बाद हमें ऐसा लगा कि उसकी जो पत्तियां हैं वो एकदम अच्छी तरीके से खुल के अपना भोजन लेने लगे जी जी, जो कर्लिंग थी वो बिल्कुल एकदम खत्म हो गई, मतलब एकदम क्या, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, 2-4-5 दिन का दवा कोई भी हो, अब उसका टेक्निक यूज करने के बाद तो फायदा 2-4 दिन बाद मिलता है। और सारे कीट हमने लाइव देखा कि कीट मतलब जो मकड़ी टाइप की जो पीली मकड़ी या थ्रिप्स, थ्रिप्स पे भी अटैक, थ्रिप्स का जो अटैक था और जिसमें चित्ती पड़ी होती है जी जी जी, वो हमने लाइव देखा उसको, वो कंडीशन थी कि उसको दवा डालने के बाद वो तुरंत उसका मतलब लगभग 15-20 मिनट के अंदर, 15-20 मिनट बहुत ज्यादा हमने देखा होगा, तो 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर उसका खत्म हो गया था, जबकि वो जल्दी कोई दवा से जाती नहीं है, वो बहुत बहुत टाइम। तो उसको मैंने क्या कहा, जैसे हम प्लाट में अपने स्प्रे करवाते हैं उसके फिर चारों तरफ दवाई टंकी में करवा के चारों तरफ प्लाट के उसको करवा देते कि आसपास भी थोड़ी सी दिक्कतें जो भी हो खत्म हो जाए। तो उसमें थ्रिप्स में, माइट में और जितना ये भुनगा है या ये रस चूसक कीट है उसमें आपको पूरा फायदा मिला जी, बिल्कुल, फसल आपकी अच्छी हुई सर जी, जी। तो आगे जो और किसान है जो शिमला लगाते हैं या जो खीरा है जी, जी। या जो भी जिसमें स्प्रे आदमी कर रहे हैं किसान लोग, उनके लिए क्या सलाह देंगे प्रोडक्ट वाले? हम तो यही कह रहे हैं कि अगर कुछ पाना है ठीक है, अपन मान लो बहुत सारे लोग होते हैं जैसे अब छोटे लोग होते हैं या छोटे पैमाने खेती करते हैं, उनकी दिक्कत है तो उनको देखो गाइड करने वाला बस 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 सही मेन होता है, अगर गाइडेंस नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाते। अब हम ही अभी हमें इस दवाई के बारे में ना पता होता या आपसे मेरा परिचय ना होता, हम किसी से परिचय ना करते तो हमें भी नहीं पता चलता, हम भी अपना जो छिड़कते थे वही स्प्रे करवाते रहते। तो मेरा तो यही कहने का मतलब है अगर जो लंबे पैमाने पे कर रहे हैं छोटे पैमाने पे कर रहे हैं अगर उनको ऐसी कोई दिक्कत लग रही है तो ये दवा बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। विश्वजीत और तेजल का स्प्रे मिर्चे में जो है शिमला हो, इससे हम बहुत मतलब बहुत सेटिस्फाइड है, इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्ट हैं इस दवा से। चलिए ठीक है, और अगर कोई संदेश देना चाहते हो कंपनी के या प्रोडक्ट के संबंध में तो आप दे सकते हैं सर। और क्या दें, अब इतना ज्यादा मान लो अभी हमें नॉलेज नहीं है लेकिन फिलहाल हाँ ये अच्छा, इसका इसका डोज क्या रखे सर? इसका डोज हम रखे हैं 0.5 किलो पर ड्रम, आधा किलो पड़ रहा है 200 लीटर पानी में, आधा किलो आधा किलो जी, दो सही है सर।
ठीक है, इसका रिजल्ट आपको लगभग 2-3 दिन में मिल जाता है। हाँ, 3 दिन बाद इसका मतलब, हाँ रिजल्ट तो मतलब बहुत सारे जो कीट है वो तो खत्म हो जाए, लेकिन जो कर्लिंग वाली हमने आपको बताई ये 3 दिन बाद, 3 दिन बाद एक हफ्ते मान लो सब खत्म हो जाए, एक हफ्ते में। ये मेरी जो आप जहाँ पे खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, इसमें सारी पत्तियाँ थी एकदम, ये मतलब अब आप खुद ही देखिए ऐठी हुई थी, अंदर की तरफ ऐठी ये ऐठी हुई थी तो अब खुल गई है। जी जी, अभी अपना भोजन अच्छी तरीके से पा रहे हैं, और पौधा जब तक भोजन नहीं पाएगा तो अपना फल बनाएगा कैसे। जी जी जी, कोई भी प्लांट हो इस जगह पे। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। इस बार हम जो है